उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ। वह दिल्ली से अपने घर सहारनपुर के लिए छुटमलपुर कस्बे जा रहे थे। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड फायरिंग की। गोली उनको पेट को छूते हुए निकल गई। फायरिंग में आज़ाद के कार के शीशे भी टूट गए। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर HR70D0278 दिख रहा है। चंद्रशेखर को देवबंद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहां से शुरुआती इलाज के बाद सहारनपुर के जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां उन्हें एक्सरे कराने के बाद ICU में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। वहीं देर शाम चंद्रशेखर ने कहा कि सभी कार्यकर्ता शांति बनाए रखें और पुलिस प्रशासन का साथ दें। पुलिस जल्दी हमलावरों को पकड़ लेगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद देवबंद में संगठन के एक साथी एडवोकेट अजय के घर गए थे। अजय की मां का 2 दिन पहले ही निधन हो गया था। चंद्रशेखर जैसे ही अजय के घर से निकलकर अपनी कार तक पहुंचे, तभी दूसरी कार से आए हमलावरों ने उन पर फायरिंग छोड़ दी। देवबंद पुलिस को सूचना मिली करीब 5:15 बजे। ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब हैं उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से, और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्यवाही होगी वो विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी।